संगीत, ये कितना मधुर संगीत है। कौन है लड़की? कैसे अपनी जान प्यारी नहीं है? इसकी हिम्मत कैसे हुई त्रिकुण लोक में नृत्य करने की? बंद करो ये नृत्य। ये जानते हुए कि त्रिकुण लोक में नृत्य करने का अधिकार सिर्फ हमें है, तुमने नृत्य करने की हिम्मत कैसे की? क्षमा महारानी सुरमैया, क्षमा। ये बच्चे यहाँ के लिए नहीं जानती। अगर ये नहीं जानती तो ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी बेटी को त्रिकुण लोक के नियमों के बारे में समझाओ। गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। एक गलती की माफी नई गलती करने का साहस देती है। और तुम्हारी बेटी को दी गई सजा उन सभी के लिए सबक होगी जो त्रिकुण के नियमों को भंग करने का विचार रखते हैं। नहीं महारानी सुमैया, नहीं, दया कीजिए। करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, सिर्फ सुरमिया का। सुरमिया, ये कैसा न्याय है प्रभु? लोग जो कुछ भी तुमसे मांगते हैं तुम दे देते हो। अरे हम तो सिर्फ एक लड़का मांग रहे हैं, वो भी शादी करने के लिए। पता नहीं कब हमारे सपनों का राजकुमार आएगा। जरूर मिलेगा, मैं आपका ऐसा फोटो खींचूंगा कि देखने वाला पागल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं आपका ऐसा फोटो खींचूंगा कि जो भी लड़का देखेगा वो कहेगा मैं शादी करूंगा तो अंबालिका जी के साथ करूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो मैं आपके साथ शादी करूंगा। इधर आओ, शक्ल देखो अपनी। लंगूर बंदर, हमें पता है क्या करना है। तुम पर हम ऐसा जादू करेंगे कि तुम मेढक बन जाओगे। निकलो यहां से, निकलो। अंबालिका, अंबालिका, हम एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं। हमें ये बताओ कि हमारी यात्रा सफल होगी या नहीं। अच्छा, लाओ अपना हाथ लाओ। अंबालिका, किसी नाव पर बैठी हो, तुम्हारी नाव डूब रही है। डूब कैसे सकते? हमें तो तैरना आता है। बस, बालिका ने कह दिया सो कह दिया। सावधान रहना, आज तक जो भी त्रिकुण लोक में गया है वो कभी वापस नहीं लौटा।
अंजाम चाहे जो भी हो, हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए त्रिकुण लोक तक पहुंचना ही होगा। हमें वो मणिगंधा फल हासिल करना ही होगा। तुम्हें माया वन मिलेगा, बहुत ही खतरनाक वन है। तुम्हें वो वन पार करना होगा, सभी माया से भरा हुआ वन। इस वन को पार करने के लिए हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हम वाकई इतने सुंदर हैं? क्या दर्पण झूठ बोल रहा? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आपसे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। रानी सुरमया की जय हो। महारानी त्रिकुंड लोक के रक्षक आपसे मिलना चाहते हैं। उसे अंदर आने दो। महारानी सुरमया के चरणों में सल्की दास का प्रणाम। अचानक बिना सूचना दिए महल में आने का क्या कारण है सल्की? महारानी, अभी अभी किसी ने मायावन में प्रवेश किया है। बिना हमारी आज्ञा के मायावन में प्रवेश करने का साहस किसने किया? यदि आप आदेश दें तो इसी वक्त सैनिकों को। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सर। मायावन मौत का वन है, उसमें प्रवेश तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मायावन से बाहर उसके प्राण ही जाते हैं। वो जो कोई भी मायावन में उसकी मौत उसे खींच लाए। कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है? कौन है आप लोग? छोड़िए हमें, हमें जाने दीजिए। हमें
तो ये है वो त्रिनान लोक। तुम्हें हर हाल में कनक को आजाद करवाना होगा, मगर कैसे? एक इंसान के रूप में हम त्रिनान लोक नहीं जा सकते, और अगर चले भी गए तो हम जिंदा नहीं लौटेंगे। अगर यही हमारी किस्मत है तो यही सही। नागमणि हमें किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। जंगल में आग, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर माया जाल है, कोई तो है जो हमें रोकना चाहता है। हे प्रभु, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। इस आग के सामने तो हमारी शक्तियां भी बेअसर है, हम क्या करें प्रभु? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। चाहे आग हो या आंधी तूफान, मणिगंधा तो हम हासिल करके ही रहेंगे। हे प्रभु, हमने आपको रास्ता दिखाने के लिए कहा था कि हम जो फैसला ले वो सही हो, लेकिन हम फैसला नहीं ले पाए प्रभु। हम ना तो संसार को बर्बाद होते देख सकते हैं और ना ही अपनी बच्ची को खो सकते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं प्रभु, आप ही फैसला लीजिए। हम दुविधा में हैं प्रभु, हमें रास्ता दिखाओ, आशीर्वाद दो प्रभु, हमें आपका हर फैसला मंजूर है।
साईं बाबा अगर आप हमारे साथ रहे ना तो हमें पूरा यकीन है कि हम हमारे मकसद में जरूर कामयाब होंगे। नाव तो इधर ही है पर नाविक कहाँ है? तुम किसी नाव पर बैठी हो और तुम्हारी नाव डूब रही है। तक तभी पहुंचाएगी जब तुम मेरे सवालों के सही जवाब दो वरना ये नाव यहीं डूब जाएगी। पूछो क्या पूछना चाहते हो? वो कौन है जिसके तीन रूप होते हैं और वो तीनों लोकों में रहता है? पानी, पानी धरती पर, आकाश में, पाताल में होता है और उसका तीन रूप होता है, पानी, बर्फ और भाप। शाबाश। मेरा दूसरा सवाल, वो कौन बेवफा है जो हमेशा साथ रहने पर भी आखिरी वक्त में धोखा दे जाता है? प्राण। वो प्राण है जो हमेशा साथ देता है लेकिन आखिरी वक्त पर धोखा दे जाता है। शाबाश।